हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रुनाशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवन अरुणता एंड ऑस्ट्रेलिया टूर की। तीन जगह टूर था, तीन जगह टूर हुआ, तीनों जगह अच्छा हुआ, तीनों जगह बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, बड़े मजे आए। लेकिन इस बीच ना फ्रेंड्स, कुछ एक इन्फॉर्मेशन आप लोग जानना चाहते थे। आप लोगों ने मुझे मैसेज भी किए और पूछा भी, लेकिन संभव मैं उस समय जवाब नहीं दे पाई थी। इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई थी, थोड़ा सा डिले हो गया है आपको बताने में, लेकिन इन्फॉर्मेशन पहुँचाने में देरी हुई है। इन्फॉर्मेशन पहुंचाने से मैं नदारद नहीं हुई हूं, मैं एब्सेंट नहीं हुई हूं। वो इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास कंफर्म होकर आएगी वो आपके सामने आ ही जाएगी, और इस बात को मैं एक बार नहीं दसवीं बार दोहरा दूं तब भी कम होगा। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि रुना जी, ऐसा क्यों हुआ कि पवन अरुणिता के बैंड मेंबर्स तो गए, लेकिन तीन बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो हमेशा जाते हैं, जिन्हें हमेशा देखने का मौका मिलता है, बड़े प्यारे प्यारे ऐसे पिक्चर्स एंड रील्स एंड सब कुछ आता है, वो इस बार देखने को नहीं मिले। तो फ्रेंड्स, प्रदीप के पिक्चर्स नहीं मिले हमें, दर्शनी के पिक्चर्स नहीं मिले, दर्शनी के दर्शन नहीं हुए, और साहिल के भी हमें पिक्चर्स अपडेट्स देखना नहीं मिले। डेफिनेटली ये परफॉर्मेंस के समय में भी दिखाई नहीं दिए थे। तो सर्टनली एक बात हो जाती है कि भाई, जब तक पूरी टीम नहीं हो तब तक यार कुछ तो कमी है, ऐसा हो जाता है, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, पूरे के पूरे लोग दिखाई नहीं दे रहे, मन नहीं भर रहा है, पिक्चर पूरा नहीं हो रहा है, तो कुछ तो गड़बड़ लगता है। अरे यार ऐसा क्यों हुआ, आप लोगों ने कई लोगों ने मुझसे पूछा भी था। फ्रेंड्स, आपको एक बात याद दिलाती हूँ, मैं थोड़े दिन पहले चॉकलेट पाई से ऐसे ही कहीं मिल ली थी, और मैंने कहा था कि हम लोगों की काफ़ी लंबी बातचीत हुई, बड़े सारे मुद्दों पर बातचीत हुई, आपके दिल की बात मैंने उन तक पहुँचाई, ये भी हुआ वो भी हुआ। तब मैंने उनसे पूछा था कि अरे ऑस्ट्रेलिया का टूर चल रहा है, आप जाने वाले हैं बहुत जल्दी, कब जाने वाले हैं, कैसे जाने वाले हैं, क्या चल रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं उनसे पूछ रही थी। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए जाने के लिए वीज़ा की जो फॉर्मेलिटीज़ होती है बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, बड़े आपाधापी के बीच में, बड़े भागा दौड़ी के बीच में अगर आपको ऑस्ट्रेलियन वीज़ा मिल गया, मतलब वाह, सोने पर सुहागा होने वाली बात हो जाती है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। दुनिया के डिफ़िकल्ट वीज़ाज में से ऑस्ट्रेलियन वीज़ा को पहले नंबर पे भी कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा, ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एंड सिंगापुरियन वीज़ा। सो उस समय वीज़ा को लेकर बड़ी भागदौड़ी मची हुई थी पवन अरुणिता और उनकी कंप्लीट टीम मेंबर्स में से। अब फ्रेंड्स, मैंने यही सवाल फिर जब उनकी टीम से पूछा, चॉकलेट पाए से पूछा कि अरे हम तीन लोगों को मिस कर रहे हैं, क्या हो गया, कहीं कोई वीज़ा की दिक्कत आ गई, क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं वो लोग, तब सर्टनली उन्होंने मुझे सही क्या इन्फॉर्मेशन है वो जाकर बताया है, और वही इन्फॉर्मेशन मैंने कहा भाई आपको लाकर बता देती हूँ। मैंने उनसे यही पूछा था कि तीन लोग तो है नहीं, साहिल भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, हमको मिसिंग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तब उन्होंने लिख कर भेजा, Yes, we had an option to cancel the tour, which in ideal situation anyone will do. मतलब जब आपके पूरे टीम मेंबर्स नहीं हो तो आधे बैंड मेंबर्स के साथ जाकर आप परफॉर्म करेंगे, ये कुछ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, जो कि आमतौर पर यही होता है। अगर सब लोगों को, सारे टीम मेंबर्स को वीज़ा नहीं मिलता है तो कई बार शोज कैंसिल कर दिए जाते हैं। ओके, ये सिचुएशन पवन अरुणिता और उनके टीम मेंबर्स के सामने भी आकर खड़ी हो गई थी। तो ये ऑप्शन था कि वो ना भी जाएं, जो आमतौर पर होता भी है, कई सारे सिंगर्स इसलिए वीज़ा की तकलीफ के चलते अपने शोज कैंसिल कर देते हैं। ओके, बट वी डिसाइडेड टू गो अहेड कीपिंग इन माइंड द हार्ड वर्क, एफर्ट, टाइम एंड मनी प्रमोटर्स हैव पुट फॉर दिस टूर। ऐसे समय में टीम मेंबर्स ने सोचा, पवनदीप, अरुणिता और उनके टीम मेंबर्स ने यही सोचा कि भाई मना करना तो सबसे आसान होता है कि नहीं आ सकते, तीन लोगों का वीज़ा नहीं हुआ, हम लोग नहीं आने वाले हैं। फिर उनको ध्यान आया कि जितने भी प्रमोटर्स हैं, जिन्होंने अपना पैसा अभी से उसमें डालना शुरू कर दिया है, हार्ड वर्क लगा रहे हैं, टिकट्स के लिए बात कर रहे हैं, यहाँ मैनेज कर रहे हैं, वहाँ की परमिशन ले रहे हैं, यहाँ पर साउंड के लिए अलग अलग लोगों को बुक कर रहे हैं, तो कभी ऑडिटोरियम बुक कर रहे हैं, वहाँ पर बहुत सारी भागदौड़ी हो रही होगी, कितना एफर्ट और कितना टाइम उन्होंने सिर्फ इस एक इवेंट के लिए उन्होंने डाला है, इस बात के भी मद्देनज़र उनको ऐसा लगा कि यार ये गलत हो जाएगा अगर हम लोग ने इस समय पे उनको मना कर दिया वीज़ा के चलते। ओके, और ये तो है ही, ये तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा कारण है कि हम मना कैसे करें, इतने सारे एफर्ट्स पानी में चले जाएंगे। और एक और बात जो उनके दिल में उठी, दैट इज़ इतने सारे जो पागल प्रेमी फैंस हैं, उनके दिल को भी तो ठेस पहुंचेगी कि अरे पवन अरुणिता नहीं आ पा रहे हैं, क्या हो गया, तो वीज़ा का आई थिंक कुछ तो गड़बड़ हो गया है, और ये हो गया, और टीम मेंबर्स का नहीं आ पा रहे हैं इसलिए वो भी नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं फैंस के दिल को
इतनी बड़ी वाली ठेस ना लग जाए, कहीं उनको वो दुख की लकीर उनके चेहरे पर ना आ जाए, और इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि नहीं यार, कम तो कम सही, जैसा भी है काम तो करना है, जाना तो है, परफॉर्म तो करना है, लोगों के दिलों को छूना तो है, उनको सुंदर सी आवाज़ भी सुनानी है, उनके दिलों में अंदर तक घुस जाना है और लोगों के दिल में संगीत के लिए अलख भी जगानी है। तो बस यही सोचते हुए इस शो को उन्होंने कैंसिल नहीं किया है। और वी नेवर वॉन्टेड टू लेट गो एनी वन, दो वी आर फेसिंग लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, बट वी आर मैनेजिंग, आफ्टर ऑल द शो मस्ट गो ऑन। मतलब इसके अलावा भी मुझे लगता है उन्होंने कई तकलीफें झेली होंगी, क्योंकि क्या होता है कई सारी चीज़ें जब आप पवन अरुणेदा को परफॉर्म करते हुए देखते हैं या पर फोटो वोटो खिंचाते हुए देखते हैं, आपको लगता है क्या लाइफ है यार इन लोगों की, यहाँ से वहाँ जाओ, वहाँ से वहाँ जाओ। नहीं भाई, इस लाइफ को जब आप कैमरा पर दिखाते हो, जब परफॉर्मेंस देते हो, जब आप इंस्टा पर रील्स या पर जब आप इंस्टा पर पिक्चर्स डालते हो सोशल मीडिया पर, तब तो आप स्माइल करोगे ही ना। इस स्माइल के पीछे कितनी लंबी मेहनत लगी है, कितने सारे लोगों के एफर्ट्स लगे हैं, ये कैसे दिखेगा, ये तो नहीं दिखता है। और बस टीम मेंबर्स नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई भी कारण हो, कोई भी काम हो, जिसकी वजह से इतने सारे हजारों लोगों के दिलों को दुख हो, उनके फैंस को दुख हो। और फिर कहते हैं ना, कलाकार का सबसे बड़ा कमिटमेंट वो खुद होता है कि वो खुद अपने कला के प्रति कितना ज़्यादा समर्पित हो चुका है। तो वो एक बहुत बड़ा, एक बड़ी बात कही जाती है ना, द शो मस्ट गो ऑन। तो बस द शो मस्ट गो ऑन इसी तर्ज पर इन लोगों ने डिसीजन लिया कि नहीं, कम है बैंड मेंबर्स, कम है वो लोग जो हमारे बहुत जिगरी यार हैं, हमारी कंप्लीट टीम है, लेकिन फैंस के दिलों को और इतने सारे आयोजकों को परेशानी में तो नहीं डाल सकते हैं, इसलिए हम चलते हैं, हम परफॉर्म करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और जब इतने सोच के साथ कोई घर से निकलता है, दूसरे देश में जाता है, कला के प्रति अपना कमिटमेंट दिखाता है, तो भगवान भी आशीर्वाद दे देते हैं। तो देखिए ना, शो कितने खूबसूरत हुए हैं और कैसे इन लोगों ने अपने ही गाने गाए हैं और कैसे लोगों ने उन्हें अप्रिसिएशन भी दिया है, शाबाशी ही कही जा सकती है। और फिर पवनदीप है, उसका बस चले तो इन सबको बोले कि जरा 5 मिनट साइड में बैठना, तबला भी मैं बजाऊंगा, कीबोर्ड भी और गाना भी और ड्रम भी, सब कुछ मैं करने वाला हूँ, चलो आप भी 5 मिनट साइड में बैठो अपने बैंड मेंबर्स को। वो ऐसे भी बोल सकता है, हरपन मौल आए ना, क्या करे। हाँ बस वो अरुणिता को रिप्लेस नहीं कर सकता, वो लड़की की आवाज में नहीं गा सकता इसलिए। एनीवेज, अब मेरी बदमाशियों को साइड में रखिए, लेकिन एक बात जरा दिल से सोच कर देखिए कि जो व्यक्ति, जो टीम, जो कलाकार अपने आयोजकों और अपने दर्शकों और अपने फैंस के बारे में इतना सोचते होंगे, उनकी राह आगे बढ़ने में या उन्हें आगे बढ़ने में कितने सारे लोगों की दुआएं लगती होंगी, जरा कल्पना करके देखिए। अब इस पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में आपका क्या कहना है, जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।